पुशअप्स कर रहा था यार घर पे। तुझे पता ही है यार लॉकडाउन चल रहा है। हाँ। और लॉकडाउन में पेट निकले जा रहे हैं। हाँ। केक्स घर पे बनाए जा रहे हैं और क्या होगा। यस। क्या होगा यार तो घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल यार घर पे ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बात तो सही है लेकिन एक बात बता तू तो घर पे कर लेगा बाकी के लड़के भी घर पे कर लेंगे हम गर्ल्स तो ऑलरेडी स्लिम है ही। ओफो। यस। ये बता बच्चे क्या करें इस लॉकडाउन में। हाँ यार गरिमा मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि बच्चे क्या करेंगे इस लॉकडाउन में। यार खुद सोच पहले स्कूल जाते थे फिजिकल एक्टिविटीज होती थी पीएचई पीरियड अलग से होता था स्पोर्ट्स और वो खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। राइट। यार मेरे पास तो कोई आईडिया नहीं तू बता। उसकी टेंशन तू मत ले आइडियाज लेकर आ चुका है प्ले विद एजी अपनी थर्ड एक्टिविटी के साथ तो चल तुझे डेमो दिखाती हूँ। लेट्स गो। चलो एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ इस तरह से सेटअप तैयार करना है जिसमें आपको 5 बॉल्स यूज करने हैं और 10 छोटे छोटे टॉयज यूज करने हैं। अगर आप 10 टॉयज अरेंज ना कर पाए तो कुछ और आप यूज करें जो साइज में छोटा हो। ये रहेगी पार्टिसिपेंट्स की स्टार्टिंग पोजीशन और ये रहेगा पूरा सेटअप। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आपको स्टॉपवॉच ऑन करनी है और पार्टिसिपेंट को कुछ इस तरह से अपने दोनों फीट के साथ टॉयज को बोल में डालना है। सेम पोजीशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई वही पोजीशन थ्रू आउट द एक्टिविटी पार्टिसिपेंट को रखनी है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि पार्टिसिपेंट की पूरी बॉडी कंटिन्यूसली फ्लोर पर टच होती रहनी चाहिए उनके दोनों हैंड्स फ्लोर पर ही रहने चाहिए बैक साइड की तरफ। एक साइड ये एक्टिविटी पूरी होने के बाद 5 टॉयज को पार्टिसिपेंट उठाएंगे और एक साइड रख देंगे। ये उन्होंने 5 टॉयज उठाए और एक साइड रखे। अब सेम एक्टिविटी वो अपोजिट साइड कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि उनकी बॉडी कंटिन्यूसली फ्लोर पर ही रहनी चाहिए हैंड्स उनके बैक साइड रहने चाहिए स्टॉप वॉच कंटिन्यूसली पूरी वीडियो में थोड़ी थोड़ी देर में दिखती रहनी चाहिए और इस तरह से एक्टिविटी को एंड करने के लिए लास्ट टॉय रखकर पार्टिसिपेंट थम्स अप दिखाएंगे और आप स्टॉपवॉच ऑफ करके एक्टिविटी एंड करेंगे।